हेलो एवरीवन, हैप्पी शाड़ी स्टोर पे आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, अभी मैं इलाहाबाद के प्रयागराज पे हूँ और हम यहाँ पे अपने पेरेंट्स के अस्थि विसर्जन करने के लिए आए हुए हैं। फ्रेंड्स, वीडियो पे मैं आप सबको दिखाऊंगी कि यहाँ पे कौन सी जगह पे जाके अस्थि विसर्जन करते हैं और उसके बाद उसके आसपास के जितने भी जगह है सब मैं आप सबको घूम के दिखाऊंगी। ये जो देख रहे हो ये भारत सेवाश्रम संघ है, तो हम यहाँ पे रुके हुए हैं, तो यहाँ के जो लोग हैं ये ही हमें सब जगह लेके जाएंगे। तो अभी हमें इसी जगह पे लेके आए हैं जहाँ पे मुंडन होगा सबसे पहले, उसके बाद यहाँ से ये लोग ही हमें अस्थि विसर्जन करने की जो जगह है वहीं पे लेके जाएंगे। तो इस जगह पे जितने भी लोग आते हैं सबका यहीं पे मुंडन होता है, तो यहाँ पे मुंडन शुरू हो गया है, तो एक एक करके सबका मुंडन हो रहा है और उसके बाद हम उसी जगह पे जाएंगे जहाँ पे अस्थि विसर्जन करना है। और यहाँ पे जितने भी लोग आते हैं सबका यहीं पे मुंडन होता है और उसके बाद ही अस्थि विसर्जन के लिए लेके जाते हैं। ये भारत सेवाश्रम के लोग ही हमें लेके जाएंगे, ये उनके द्वारा ही सब काम होगा। और अगर आपको पेरेंट्स के अस्थि विसर्जन करना है इलाहाबाद में आके, तो आप भी इसी जगह आ जाइए। आप पहले भारत सेवाश्रम संघ में आ जाइए, वहाँ के लोग ही आपको हर जगह लेके जाएंगे जहाँ पे आपका एक एक करके सब काम पूरा हो जाएगा। तो अभी हमारा मुंडन कंप्लीट हो गया है, उसके बाद देखिए इन्हें उनका ही जो पंडित जी है उनके द्वारा ही यहाँ पे उसके बाद का जो रस्म है वही करवा रहे हैं। तो एक साथ बहुत सारे लोगों का ये करते हैं क्योंकि बहुत जगह से बहुत सारे लोग आते हैं, तो सबका एक ही साथ करवा रहे हैं। अंतर यहाँ का जो काम है वो कंप्लीट हो गया है। अभी हम आ गए हैं गंगा के किनारे, हमें लेके आए हुए हैं। तो यहाँ पे हमें अभी उनका जो लोग है वो हमें त्रिवेणी संगम पे लेके जाएंगे, जहाँ पे जाने के बाद ही अस्थि विसर्जन किया जाएगा। तो यहाँ पे उनका ही जो लोग है वही हमें लेके जाएंगे, लेकिन इसके लिए हमें नौका पे बैठना पड़ेगा, तो हम वही करने जा रहे हैं। तो हम यहाँ पे नौका पे बैठ गए हैं और ये जो लोग है ये उनका ही द्वारा बताए गए लोग हैं, यही हमें त्रिवेणी संगम पे लेके जा रहे हैं। त्रिवेणी संगम वही जगह है जहाँ पे गंगा, यमुना, सरस्वती एक साथ मिले हुए हैं, बस वही जगह पे अस्थि विसर्जन किया जाता है। बहुत पवित्र जगह है और इस जगह का महत्व बहुत बड़ा है, जो मैं आज के वीडियो पे आप सबको बता नहीं पा रही हूँ कि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो लगभग हम त्रिवेणी संगम पे आके पहुंच गए हैं। अभी उनका ही जो लोग हैं उनके द्वारा ही बताया जाएगा कि कैसे विसर्जन करना है। तो देखिए हमारे पेरेंट्स का जो अस्थि विसर्जन का जो काम है वो शुरू हो गया है, साथ में जो है ये उनका ही लोग हैं जो बता रहे हैं कैसे क्या करना है। तो
अस्थि विसर्जन का काम खत्म हो गया है, अभी सब लोग नहा रहे हैं। और ये बहुत अच्छा जगह है जहाँ जो जितने भी लोग आते हैं सब यहाँ पे नहाते हैं। बोलते हैं जितना भी पाप हमने किया है यहाँ पे नहाने के बाद हमारा सब पाप खत्म होता है, और बहुत पवित्र जगह है। और यहाँ से सब लोग पानी भी लेके जाते हैं। तो यहाँ पे सब लोग जितने भी लोग यहाँ पे अस्थि विसर्जन करने आए हैं सभी लोग यहाँ पे नहा रहे हैं, और बहुत मस्ती भी हो रहा है और बहुत अच्छा भी लग रहा है। फ्रेंड्स कभी भी आइए तो यहाँ पे नहा के जरूर जाइएगा, ये बहुत पवित्र जगह है। तो यहाँ पे नहाना ख़त्म हो गया है, उसके बाद हम चले गए थे भारत सेवा आश्रम संघ में, वहाँ पे खाना वाना खा के उसके बाद हम आए हैं अभी गंगा के घाट, जहाँ पे गंगा की आरती अभी शुरू हो रहा है। और ये गंगा की आरती जो जगह पे हो रहा है ये इलाहाबाद की प्रयागराज में ही हो रहा है, और अभी मैं आपको गंगा की आरती दिखा रही हूँ। तो आज हम लोगों ने अस्थि विसर्जन कर दिया है, लेकिन विसर्जन करने के बाद श्राद्ध करना पड़ता है, और ये जो श्राद्ध होगा ये गया में होगा। फ्रेंड्स मैं आप सबको नेक्स्ट वीडियो पे दिखाऊंगी कि गया पे जाके कैसे श्राद्ध होता है, पिंडदान होता है। आज के वीडियो पे मैं जो दिखा रही हूँ ये इलाहाबाद के प्रयागराज के जितना भी है सब दिखा रही हूँ। यहाँ पर सिर्फ मुंडन होता है, उसके बाद अस्थि विसर्जन होगा, नहाना होगा, गंगा की आरती होगी, उसके बाद ही हम गया पे जाएंगे। कल हम गया पे जाएंगे और वहाँ पे जाके जो श्राद्ध होगा, पिंडदान होगा, वो मैं आप सबको नेक्स्ट वीडियो पे दिखाऊंगी। अभी शाम के 7:30 बज रहा है तो हम यहाँ पे थोड़ा मस्ती कर रहे हैं। ये देखिए ये ऊँट है, तो हम थोड़ा ऊँट के पीठ पे चढ़ गए थे, तो यहाँ पर हम थोड़ा मस्ती ले रहे हैं। और उसके बाद हम जाएँगे, यहाँ पर बहुत बड़ा प्रसिद्ध एक हनुमान की मंदिर है, तो हम वहाँ पर आके पहुँच गए है। ये देखिए हनुमान जी का मूर्ति है जो सुलाया हुआ है, तो हम यहाँ पे अभी आए हैं। उसके बाद हम बाहर के कुछ जगह पे घूमेंगे, तो मैं आप सबको साथ में दिखाऊंगी। फ्रेंड्स मेरा नेक्स्ट वीडियो देखना मत भूलिए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो पे मैं आप सबको गया पे जाके कैसे श्राद्ध और पिंडदान करते हैं ये पूरा मैं आप सबको नेक्स्ट वीडियो पे दिखाऊंगी। तो अभी हम थोड़ा बाहर घूम रहे हैं, बस वही आप सबको मैं दिखा रही हूँ। यहाँ पे एक किला है जो बहुत पुराना है, हम उसी पे घूमने आए हैं हुए और उसके आसपास जितना भी नज़ारा है मैं आप सबको वही दिखा रही हूँ। तो ये सब इलाहाबाद के प्रयागराज में है। ये गंगा आरती जिस जगह पे होता है उसी के आसपास ही है। हम गंगा आरती देखने के बाद ये आसपास में थोड़ा घूम रहे हैं। फ्रेंड्स हम कल गया पे जा रहे हैं और वहाँ पे जाके हम श्राद्ध और पिंडदान करेंगे। मेरा नेक्स्ट वीडियो देखना मत भूलिए। आज का वीडियो मैं यहाँ पे ख़त्म कर रही हूँ। बाय बाय।